नमस्कार, मैं रत्नसेन भारती। आज हम बात करेंगे एक ऐसे चीज़ के बारे में जिसे जानने के बाद आप कहेंगे सच में यह भी होता है। आज हम बात करेंगे कारखानों के छतों पर लगे हुए गोल पहिए के बारे में, जिसे देखने के बाद आपके मन में भी यह विचार जरूर आया होगा कि आखिर यह बला है क्या। जब हम कहीं घूमने जाते हैं तो कुछ ना कुछ नया जरूर देखने को मिलता है। ऐसे में मन में इच्छा होती है कि आखिर यह क्या है। आज हम आपको एक ऐसी ही चीज़ के बारे में बताने वाले हैं जिसे आप कई बार देखे होंगे। आपके मन में यह चल रहा होगा कि आखिर यह क्या है जो गोल गोल घूमता रहता है। दरअसल आपने कल कारखानों के ऊपर छोटे छोटे गुंबद के आकार का कुछ देखा होगा जो कि आपको घूमता हुआ दिखाई देता है। दरअसल आपको बता दें कि कारखानों के छतों पर लगे गोल गोल गुंबद स्टेनलेस स्टील का बना होता है। यह इस तरह से सूरज की रोशनी जब उस पर पड़ती है तो वह और भी चमकीला दिखाई पड़ता है। क्या आपको पता है कि आखिर यह होता क्या है और काम कैसे करता है? कारखानों की छतों पर घूमते हुए इस गुंबद को टर्बो वेंटिलेटर के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ इसके कई और नाम हैं, जैसे कि एयर वेंटिलेटर, टर्बाइन वेंटिलेटर, रूफ एक्सेलेटर के नाम से भी इसे जाना जाता है। वर्तमान समय में टर्बो वेंटिलेटर का इस्तेमाल सिर्फ कारखानों में ही नहीं होता, बल्कि इसको अन्य जगहों पर भी इसका इस्तेमाल की शुरुआत अब शुरू हो गई है। आप इसी कड़ी में अब देख सकते हैं कि रेलवे स्टेशनों पर भी इसकी शुरुआत हुई है। यह रेलवे स्टेशनों की छतों पर इसको आप आसानी से देख सकते हैं। ऐसे में आपके दिमाग में यह भी चल रहा होगा कि आखिर यह टर्बो वेंटिलेटर होता क्या है। दरअसल टर्बो वेंटिलेटर में एक पंखा होता है जो कि मध्यम गति से चलता है। इसका मुख्य कारण होता है कारखानों या फिर उसके आसपास के अंदर मौजूद गर्म हवाओं को छत से बाहर का रास्ता दिखाना। बता दें कि गर्म हवा हल्की होती है, इसलिए वह ऊपर चली जाती है जहां टर्बो वेंटिलेटर की मदद से उसे बाहर किया जाता है। जब यह गर्म हवा कमरे से बाहर करता है तब खिड़की और दरवाजों से ताज़ी हवा, यानी कि जो प्रकृति की हवा है, वो कारखानों में आती है, जिससे कि कारखानों में काम करने वाले कामगारों को काफ़ी राहत मिलता है। टर्बो वेंटिलेटर कमरे में गर्म हवाओं को तो बाहर करता ही है, साथ ही साथ कारखानों के अंदर दुर्गंध को भी बाहर निकालता है। परिस्थितियों के अनुसार अगर मौसम में ज़्यादा नमी है तो इसमें भी वह कारगर साबित होता है। अब तक आपके दिमाग में यही चल रहा होगा कि यह वेंटिलेटर चलता कैसे है, यानी कि बिजली से चलता है या फिर किसी और चीज़ से चलता है। आपको बता दें कि यह मशीन ना तो बिजली से चलता है और ना ही किसी अन्य उपकरण से। जैसे कि हम लोगों ने पहले ही जाना कि गर्म हवा ऊपर की ओर उठती है तो वेंटिलेटर के टर्बाइन में यह जमा हो जाती है, जिसके कारण वेंटिलेटर में लगा हुआ ब्लेड उल्टी दिशा में घूमने लगता है। तो छत के ऊपर में चल रही प्रकृति हवा उसे और भी तेज़ी से घुमाने में उसकी मददगार साबित होती है, जिसके कारण अंदर की गर्म हवा बाहर आती है और खिड़की और दरवाज़ों के माध्यम से ताज़ी हवाएँ कारखाने में प्रवेश करती है या फिर रेलवे स्टेशनों में या फिर ऐसे परिसर जो कि एक बड़ा हॉल नुमा है, वहाँ बहुत से लोग हैं, उन स्थानों पे भी इस तरह के टर्बोनेटर को इस्तेमाल किया जाता है, इस तरह के जो है उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है। तो अब तक अगर आपके दिमाग में यह बात चल रही होगी कि यह गुंबद नुमा गोल घूमने वाला जो पहिया है वह बिजली से चलता है, तो आपको बता दें कि यह सिर्फ गर्म हवाओं को बाहर फेंकता है, वो भी पंखे के माध्यम से। इसमें किसी तरह की कोई भी बिजली का या फिर किसी अन्य उपकरण का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। खास करके कारखानों में इसका खूब इस्तेमाल होता है। बिहार और बिहार से जुड़े हुए और भी ऐसे खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।